अपने दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं कमाने के लिए, वहां से लौट करके नहीं आते हैं। चले गए, मतलब जा नहीं रहे थे, जरूर लेकर गए थे कि हाँ चलिए हम आपको काम हम दिलवाएंगे, तो चले गए थे। तो हमने पूछा कि कहाँ पर हैं, तो बोले कि हम घर आ रहे हैं। तो हमने बोला कि आप क्यों घर आए, काम नहीं मिला का है आपको? तो उसने बताया कि नहीं, घर आएंगे तो हम आपको बताएंगे। आशीष मौर्य और पंकज मौर्य के साथ वो यहाँ से गए थे। हाँ। ये आशीष मौर्य पंकज मौर्य है कौन? मतलब घर पे बुलाए हम लोग तो आया, तो फिर बता रहे कि अरे हमको खुद ही नहीं पता कि वो गाड़ी में से कहाँ उतर के चला गया। मना कर दी, जूता पहनम, जूता पहिर के एक ठे खाली कपड़ा पहिर के वो टी शर्ट एक ठे लोअर बस उगा पहिर के वो चल गई। अच्छा। वही झगड़ा करते थे, फिर एक हो जाते। किस बात पे झगड़ा होता रहा? सुनील का जूता लेकर के वापिस इनको देने आता। हाँ, लेकिन अभी लेकिन सुनील जो है वो वापिस नहीं आता। फिलहाल करवा चौथ के इस दिन पे उस पत्नी के साथ कैसा गुजरेगा वो तो एक पत्नी ही समझ सकती है। फिलहाल हम लोग वाराणसी में और वाराणसी के रोहनिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत करसड़ा गांव में पहुंचे हैं, जहां से कि ऐसा बताया जा रहा है कि इनका बेटा और एक पत्नी का पति जो है कि एक महीने से लगभग गायब है और इनका कुछ अता पता नहीं चल पा रहा है। चूंकि आज करवा चौथ भी है और उनकी धर्मपत्नी हमारे साथ हैं और उनकी माता हैं, उनके भाई साहब और उनके पिताजी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। और कुछ ऐसी घटना घटित होती है कि ये लोग यहाँ से जाते हैं अहमदाबाद किसी मित्र के साथ और वहाँ से वो लौट करके वापस घर की ओर नहीं आते हैं। इन्हीं सब मुद्दे पर बात करने के लिए थोड़ा हम लोग इनसे प्रयास करेंगे। साथ ही साथ जो आप स्क्रीन पर ये फोटो देख पा रहे हैं, ये उन्हीं सुनील कुमार का फोटो है जो कि विगत लगभग एक महीने से गायब हैं। और साथ ही साथ एक स्क्रीन पर नंबर भी देख पा रहे होंगे, जिससे अगर आपको पता चले कि हाँ ये व्यक्ति कहाँ पर है तो उस नंबर पर संपर्क करके इनको सूचना दे सकते हैं। साथ ही साथ एक FIR की कॉपी FIR भी दर्ज करा है, जिससे उनका अता पता लग सके। फिलहाल हमसे पूरी बात इन्हीं जानेंगे कि आखिरकार क्या कारण था जो कि यहाँ से वो गए वापस लौट करके नहीं आए। आप उनकी धर्मपत्नी हैं? जी, हम उनकी पत्नी हैं। क्या वाकया था जब मतलब यहाँ से वो गए, क्या करने आखिरकार वो अहमदाबाद गए थे? हम तो अपने घर पे गए थे, 24 तारीख को अपने हम घर चले गए थे, 27 तारीख को अहमदाबाद मतलब जब गए थे हमें पता ही नहीं था कि वो अहमदाबाद गए हैं। कहने मतलब ये सितंबर की घटना है, 24 सितंबर को आप अपने मायके चली जाती हैं, फिर ये 27 सितंबर को यहाँ से वो जाते हैं। 27 तारीख को आशीष मौर्य और पंकज मौर्य दोनों मेरे पति को लिया करके जा रहे थे अहमदाबाद, तो फिर उसके बाद चले गए। वो मतलब जा नहीं रहे थे, जरूर लेकर गए थे कि हाँ चलिए हम आपको काम हम दिलवाएंगे, तो चले गए थे। फिर वहाँ पे जब पहुँचे तो मतलब हमको कॉल नहीं किए। फिर हमने उनको संडे को 7 बज के कुछ समय पर हमने पंकज के मोबाइल पर फ़ोन किया था, तो उसने बताया करे आशीष के मोबाइल पर फ़ोन करके बात कर लीजिए, हमसे बात नहीं हो पाएगा। तो हमने आशीष के मोबाइल पर कॉल किया, तो उसने मेरे पति को मोबाइल दिया, तो उसने हमसे बात की। तो हमने पूछा कि कहाँ पर हैं, तो बोले कि हम घर आ रहे हैं। तो हमने बोला कि आप क्यों घर आए, काम नहीं मिला का है आपको? तो उसने बताया कि नहीं, घर आएंगे तो हम आपको बताएंगे। फिर हमने फ़ोन काट दिया। तो फिर सुबह वो 2 बज के मतलब कुछ मिनट पर 3-4 बार हमको कॉल किया, तो हमने फिर उनका कॉल उठा लिया। तो उसने फिर बोले कि हम घर पे आ रहे हैं। तो हम फिर बोले कि अभी सुबह इतना क्यों घर पे आ रहे हैं? तो उसने बोला कि आएंगे तो हम आपको फिर बताएंगे, यही बात बोलकर फिर हमने फ़ोन काट दिया। फिर हमसे उनसे बात कोई नहीं हुआ। फिर जब आशीष मौर्य जब लिया कर आ रहा था, तो मतलब गाड़ी में मतलब बीच में फिर वो क्या किए क्या नहीं किए, मतलब लाए थे कि नहीं लिया रहे थे, अब उसके बारे में तो आशीष मौर्य ही बता सकते हैं, हम तो नहीं ना बता सकते कि मतलब क्या किए क्या नहीं किए, गाड़ी पर से उतर गए कि गाड़ी पर से कुछ धकेल दिए या मार करके गिरा दिया, तो वही बता सकते हैं, आशीष मौर्य ही बता सकते हैं, इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते हैं। आशीष मौर्य और पंकज मौर्य के साथ वो यहाँ से गए थे। हाँ। ये आशीष मौर्य पंकज मौर्य हैं कौन? ये मेरे एक ठो गाँव में पंकज मौर्य गाँव में का घर है, आशीष मौर्य मेरे बगल में ही घर है। तो ये क्या मतलब इनका को मतलब हैं कौन ये दोनों लोग? संगी दोस्त से पास मतलब एक खास संगी थे लोग दोनों लोग। अच्छा, मतलब अपने दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं कमाने के लिए, वहाँ से लौट करके नहीं आते हैं। सुनील काम क्या करते थे यहाँ पे? पार्लूम चलाते थे घर पे। इस समय मतलब मशीन थोड़ा डाउन चल रहा था, तो वो सब बोले कि चलो बाहर में चलेंगे तो काम मिलेगा तो करेंगे। फिर जब वो गए तो हमको बताए भी नहीं कि हम जा रहे हैं, ना मोबाइल लिए ना आधार कार्ड लिए, मतलब कोई प्रूफ भी नहीं लिए थे, ना पैसा भी लिए थे, कुछ भी नहीं लिया, कपड़ा बैग कोई चीज़ भी नहीं लिए थे, खाली टी शर्ट एक तो लाल कलर का पहन के गए थे, लोअर जूता इतने ही पहन कर खाली बस चले गए थे। अच्छा, फिर उसके बाद अभी नहीं लौटे। तो फिर आप लोग अभी आप घटना बता रहे हैं, 27 को ये यहाँ से गए और 30 को जो है इनके साथी लौट आए और ये नहीं लौट के आए। हाँ, तो वो क्या जो साथी आया फिर वो घर पे आपके आया कि बताया कि हाँ वो नहीं आया, या फिर क्या बातें हुई? नहीं तो इधर उधर मतलब कहा कि हम इधर तो खोज रहे हैं, हमको नहीं मिल रहा है। तो फिर मम्मी उसने पूछ मतलब घर पे बुलाए हम लोग तो आया, तो फिर बता रहे कि अरे हमको खुद ही नहीं पता कि वो गाड़ी में से कहाँ उतर के चला गया, कहाँ नहीं गया, हमारा आँख लग गया था, तो कहा कि हमारा
हम उसको नहीं देखे थे, तो फिर मोबाइल फेंक के झटके में भाग गया। बहुत मतलब किसी कई तमाम बात बता रहा है वो। किसका मोबाइल फेंक के भाग गया? और आशीष मौर्या का, कि मतलब हम आपसे बात जैसे कहा था, हमसे बात करके मोबाइल झटके में फेंक करके फिर दौड़ करके गाड़ी में से भागा। आशीष मौर्या बता रहे, तब वही हम बता सकते हैं कि हम मतलब दौड़ के भागे कि कैसे भागे, कि उतर गए कि किसी स्टेशन पे उतर गए। आप तो वही बता सकता है इसके बारे में, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। हम ना जानेंगे तब तो ना बताएंगे कुछ इसके बारे में। और फिर हमारे छोटे छोटे इतने बच्चे हैं, बताइए कि हम लेकर के एक महीने से झेल रहे हैं। कितने बड़े बड़े बच्चे हैं? एक तो 3 साल का, एक तो 4 साल का बच्चा है। बहुत हम परेशानी में हैं साहब, कोई हमारा सुनवाई नहीं हो रहा है, किसी न थाने पर न चौकी पर कोई नहीं सुन रहा है हमारा। FIR तो आपका दर्ज किया गया है, और घटना आपकी बता रहे हैं 30 तारीख को था, उसके बाद ये FIR आप 9 अक्टूबर का FIR है, तो क्या मतलब इतने FIR लिखने में 9 दिनों का समय लगा दिया इन्होंने? चौकी पर ही बताएंगे ना, चौकी वाले बताएंगे, थाने वाले बताएंगे कि मतलब इतना लूट क्यों कर रहे हैं। तो आप लोग जा रहे थे तो क्या वो लोग कह रहे थे? हम लोग जा रहे थे तो कहा कि चौकी पर जाए, एक बार चौकी पर वहाँ चौकी पर गए तो उसने बताया कि जाइए थाने पर फोटो दे दीजिए। जब थाने पर गए तो कहा कि जाइए, हमने बात कर लिया है चौकी पर से, काम हो जाएगा। हम लोग यहाँ से वहाँ दौड़ा करके घर भेज दे रहे हैं, कोई हम लोग का सुन ही नहीं रहे हैं। तो फिर FIR कैसे दर्ज हो गया, मतलब फिर FIR कैसे दर्ज हुआ? किसी का किसी से ऊपरी सोर्स लगाएं या फिर कैसे FIR दर्ज हुआ? नहीं, मतलब एक वकील साहब हैं, उन्हीं के सोर्स से मतलब FIR हुआ था। अच्छा, मतलब वकील साहब ने फ़ोन किया तब जाकर FIR हुआ। चलिए, अभी अभी पुलिस क्या बताई, अभी आप लोगों से कुछ बातचीत हुआ, कुछ आप लोगों को बुलाए वो लोग? एक दिन कॉल की मतलब एक दिन फ़ोन किए थे हमें, तो पूछे कि मतलब क्या क्या हुआ, तो हमने बताया उनको, तो बोले कि चलिए अच्छा हम आपको एक मिनट के बाद फिर फ़ोन करते हैं। फिर वो फ़ोन भी नहीं किए। फिर हम एक दिन फिर अपने से हम फ़ोन किए चौकी पर, तो बोले कि सर हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो बोल रहे हैं कि चलिए अच्छा हम लोग अपने कोशिश में कर रहे हैं, देख रहे हैं कहीं पता चलेगा तो बताएंगे, अपने जाने में तो कोशिश बहुत कर रहे हैं, यही सब तमाम से बातें बता रहे हैं। चलिए, मतलब सांत्वना दे रहे हैं कि अभी लगातार हमारा प्रयास जारी है, जैसे ही वो मिलते हैं वैसे ही हम आपके घर वालों को सूचना देंगे। अभी जाते समय ये तो नहीं थी, जाते समय जब आप ही यहाँ पर घर पर थी माता जी, तो क्या बोल करके गए थे कि हम जा रहे हैं? बोल कर गईलन यह कि कहथन कि हम आई, उन कह के गईलन कि आई वो वहाँ घर पर बैठल ना, कुछ कपड़ा पड़ा ना ही लेके गईलन घर पे, इो सामने वाला घर आशिक का घर जवन है, यही दरा हुआ घर बा, उनका दूरी ना ही हुआ। अच्छा। लगम रहन सहन कुल रह लोगन खात रहना पियत रहना कुल संगे संगे लोगन रहत रहन हैं, कुल काम लोगन अपन उत्का कर दन, तो हम ना जानते रही कि नाई लोगन हमारे लैका के संगे ऐसे घटना करी हैं लोगन। हम तो सोचली कि नाई है जात हुआ तो घूम फिर के अपन लिया के अन, कहना कि नहीं चलल काम न लगी तो हम घूम फिर के लिया के हम आई, और हमसे घरे से कुछ भी नहीं कहलन। जब वो कहें कि हमको जाना है वहाँ पे, तो फिर आखिरकार जैसे ये बता रहे हैं कि केवल लोअर और टी शर्ट में चलेगा? हाँ। ना तो उन्होंने पैसा लिया, ना मोबाइल लिया, ना आधार कार्ड लिया, हमसे कुछ नहीं बोललन ना, कुछ ना बोलना, कहा मम्मी हमें खाली 500 रुपया दे दा चाय पान दे, हमारे लगे को पैसा नहीं होगा। तब कही भैया तब तू जेबो मत कराऊँगा, मत जा तब उन लोगों के संगे, मना कैली हम, मना कैली, जूता पहनन, जूता पहर के एक थे खाली कपड़ा पहर के वो टी शर्ट एक थे लोर बस उगा पहर के वो चल गई लन। फिर एक आगे कुछ नहीं कहन, न बापे से कहलन, न भाई रहब नहीं कैलन करे, हम ही रहली, हम मने करत रही हाथ भी धके पकड़ ली कि बेटा तू घर मत जा उनके सबके संगे, इतना मने कैली हम। बाकी ये लोगन कहाँ कि नहीं चला हम पैसा ले ले है, इतना बात हम सुने कि नहीं आशिक कहत हन कि नहीं हम चला तू हम पैसा ले ले, चल हमने घूम के आवल जाई, वही वही ललक में लड़का हमार चल गल संगे, कि मतलब मित्र हैं तो पैसा रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, पैसा होगा दिक्कत ना होगा, दुदू जानी पंकज अजी कहाँ कि चल हम पैसा ले ले है और चल हमारे संगे, इतना बात हम कह के लोगों लिया के चल गई लन। अब अभी जैसे कि अब उनका दोस्त तो वापिस आ गया है आशीष, और क्या दो लोग का नाम बता रही हैं, तो ये लोग वापिस आ गए हैं, लेकिन आपके लड़के वापिस नहीं? हाँ, आशीष के संगे वहाँ से लौटल हन। अच्छा। हाँ, गाड़ी पर बैठल हन एक लोग के लग, एक लोग वही ठिया रह गए। अच्छा, क्या उनको नौकरी मिल गया क्या? नहीं, नौकरी ना मिला, 4-5 दिन पर वो नहीं अलन, तो नो ही रह गई लन। तो मतलब पहले आशीष के साथ वो यहाँ पर, मतलब आशीष के वाला आता है फिर बाद में? हाँ हाँ, तब वो उन बाद में अलन, कहाँ कि हम गाड़ी पर बैठा दिले है, वो सब नाई मनलन, कुल चल गई लन, तो उन चल गई लन वहाँ, उनकर कोनो पर्चे का रहल वहाँ, एक आदमी काम कर रहलन, वही ठियन ओना पर रह गई लन। तब 5 दिन के बाद 6 दिन के बाद तब वो नहीं लग। तो जैसे अब वो दोनों मित्र लौटे यहाँ से। हाँ। तो आपने उनसे कुछ बातचीत किया कि क्या मतलब कैसे वो नहीं आए, या फिर आप लोगों से कैसे साथ छूट गए? जात के समझ साहब ऐसा ना कि पी के पिया के तब लोग लेके गल रहा,
दारू पियले रहने लोगन। हाँ वही घरे में आशिक के दारू वारू पी के तब लिया के तब गई लोगन। तो क्या कोई पहले से क्या दुश्मनी वगैरह थी क्या कोई? ना ही कोनो ऐसा दुश्मनी ना रहा इनसे, सब ऐसे ऐसा दोस्ती में तो कोनो दुश्मनी ना ही रहा है। तो दारू पी के मतलब फिर यात्रा? हाँ दारू वारू पी उ के घरे से तब तीनों जानी निकल रहे। वही झगड़ा वगैरह जैसे करते थे तो वही फिर एक हो जाते थे। एक हो जाते। अच्छा अपने ही में झगड़ा? हाँ। अच्छा। वही झगड़ा करते थे फिर एक हो जाते। किस बात पे झगड़ा होता रहा? जैसे यही ले दे के फालतू का अपना जैसे पी खा के उसी में अपना झगड़ा उगड़ा कर लेते थे। अभी आप कह रहे थे कि उनके प्लांट में हैंडलूम चलाते हैं। हाँ तो आशीष का प्लांट है? नहीं पंकज का। अच्छा पंकज का है, उसमें अपना वो ट्रेपियल मशीन गाड़ी है उसी में चलाते हैं और उसी में अपना काम कर रहे थे। तो काम में समय मंदा था तो इसीलिए लोग अपना प्लानिंग बनाए और बोले कि चलो नौकरी के धुमे अपना चले जाएंगे। तो वहाँ पे गए तो अपना नौकरी वोकरी शायद मिला नहीं, मिला नहीं तो वहाँ से फिर रिटर्न हो गए। रिटर्न हो गए तो फिर ये लोग 3 बजे भोर में अपना आशीष मौर्या फोन किए कि वो टुनटुन मिल नहीं रहा है ट्रेन में से। कब? 3 बजे भोर में उन्होंने फोन किया? आपको किसको किया था? हम फोन करे तब बताऊंगा। जैसे वो फोन किए टुनटुन फोन किए 3 बजे भोर में कि हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं 4 बजे तक आ जाएंगे। अच्छा तो बोले कि ठीक है आइए। उसके बाद और किस पे फोन लगाए के बात किए होंगे या नहीं किए होंगे ये तो उन्हीं लोग को मालूम है। मतलब लास्ट बार बात लगभग 3 बजे भोर में होता है और वो भी 30 तारीख को। हाँ 30 को लास्ट में, 30 को सुबह में। हाँ 30 तारीख को सुबह। हाँ मतलब 3-4 बार उन्होंने फोन किया, फिर 5वीं बार में शायद आपने रिसीव किया उसको 3 बजे। फिर अभी जैसे अभी आपने उनसे कहा कि जब वो लड़के वापिस आए तो कुछ मतलब सामान वगैरह भी कुछ आप लोगों को दिए वो क्या? नहीं कुछ ना, हाँ। देले हैं जूता खाली लेका के लेके आए हूँ। हाँ।, हाँ तो कौन लेकर आया है? वह आशिक लेके आए हैं। अच्छा हाँ हमें कहीं जूता हमें मत दिखावा, हमारे जैसा लड़का लेके गईला तैसा लड़का हमारे खोज हेर के लिया के हमके दा। अच्छा ये बताइए जब वो वापिस वहाँ से लौटता है तो फिर वो डायरेक्टली आपके घर पे आता है या फिर मतलब आप जब बुलाते हैं तब वो आता है? वो जब उस संगे अपना गल हन। नहीं नहीं वापसी में जब जैसे आशीष को बता रहे हैं लौटा है ना, तो आशीष जब अपने यहाँ लौटा तो आपको घर बताने आया कि वो नहीं आया या फिर आप लोग बुलवाएं तब आया? नहीं ऐलन ऐलन तो कहाँ टुनटुनवा का मम्मी हमें देखिए टुनटुनवा ना मिलल है, हम सगरों खोजली है ना मिलल है टुनटुन। आ हमारे संगे है तो पता ना कहाँ वो चल गल, हमारे नींद लग गल हम सूत गईली। तो हम कहली कि जब तोरे नींद लग गल तो हमारे लड़का उठ के गल तो तू देखला का ही नहीं, ओके पकड़े के चाहिए ना कि नहीं बैठे के चाहिए ना कि नहीं हमारे लड़का कहाँ गयल, ओके देखे के चाहिए ना। तोरा तोहार ना जिम्मेदारी रहल, तू संगे लिया के गई ला तो तोहार जिम्मेदारी रहल ना। ये बात हम कहे हम लगली रोवे तो कहत हुअन कि टुनटुन का मम्मी चुप रहा, हम जहाँ हुई तहाँ हम ओके खोज के ले आई। इतना बात कहलन कि जहाँ हुई हैं तहाँ हम खोज के ले आई। चलिए मतलब वो लौटता है आशीष लेकिन उनका सुनील का जूता लेकर के वापिस इनको देने आता है। हाँ, लेकिन अभी लेकिन सुनील जो है वो वापिस नहीं आता। जब ये सुनील जा रहे थे तब आप मतलब आपसे कुछ बातचीत हुआ था? नहीं हमसे बात नहीं किए, खाली अपने मम्मी से जो कहे कहे, इनसे कोई बात नहीं और हमसे कोई बात। चलिए देखिए एक घटना घटित हुआ है वाराणसी के रोहनिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत कसरा गांव में। जैसा कि आपने पूरी घटना को सुना कि एक आज करवा चौथ भी है, आज करवा चौथ के दिन एक पति पत्नी अपने पति के उसमें व्रत भी रहती है लंबी उम्र के लिए, लेकिन अब वो पति अभी तक मुलाकात इनसे 1 महीने से नहीं हो पाई है। फिलहाल अब तो पुलिसिया जो कार्रवाई हो रही है वो रही है और साथ ही साथ आप लोग भी कोशिश करिएगा कि जो भी आप स्क्रीन पर फोटो देख पा रहे हैं इनसे अगर आपको कहीं पर भी दिखाई दें। लास्ट स्टेशन क्या? बीना स्टेशन आप लोग बता रही थी, बीना स्टेशन लास्ट स्टेशन तो उसके हिसाब से बीना ही बता रहे हैं कि बीना और हरदयाल नगर कौन स्टेशन है वहाँ से बीच में गायब हुए हैं।
अच्छा, कौन बताया ये? आशीष। मतलब बीना और हरदयालपुर कोई स्टेशन है, उसके बीच में ही, मतलब इनको मतलब पता नहीं। उज्जैन है, उज्जैन, उज्जैन के बीच में हरदयाल और बीना के बीच में इतने। तो फिर आप लोग यहाँ से गए थे वहाँ पर? हाँ, वहाँ पे गए थे, वहाँ पे गए थे हम लोग, खोजे भी और चौकी में भी रिपोर्ट लिखाए वहाँ पे, रेलवे में। हाँ, रेलवे में लिखाए और वहाँ पे गए थे, या वो आरपीएफ में, आरपीएफ में भी गए थे, वहाँ पे फोटो दिए और रिपोर्ट उपोर्ट कुल लिखवाए। क्या बोले वो लोग? बोले कि जाइए, हम लोग पता करेंगे तो बताएंगे, ऐसा कुछ है। अभी तो फिलहाल हुआ नहीं है घटना, हुआ होगा तो मालूम हो जाता। चलिए, मतलब परिवार के लोग उस स्टेशन पर गए जहाँ पर आशीष ने बताया कि बीना और हरदयालपुर जो स्टेशन है उसके बीच का जो मतलब जो क्षेत्र है वहाँ पर भी ये लोग गए, और आरपीएफ से वहाँ पर भी इन्होंने संपर्क किया कि अगर ऐसी कोई घटना घटित हुआ है, फोटो वगैरह भी इन्होंने दिखाया, और वो फोटो इन्होंने दिया भी कि आगामी भविष्य में जब सूचना कुछ मिले तो हमको सूचित करिएगा। फिलहाल ये यूपी पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर लिया। अब देखना ये होगा कि क्या पुलिसिया कार्रवाई कितनी तत्परता के साथ और कितनी तेजी के साथ होता है। फिलहाल करवा चौथ के इस दिन पे उस पत्नी के साथ कैसा गुजरेगा वो तो एक पत्नी ही समझ सकती है। फिलहाल एक माँ का बेटा भी गायब है और एक भाई का भाई भी गायब है और पिता का भी बेटा गायब है। चलिए फिलहाल इसमें आप एक सहयोग करिए और पुलिसिया से हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द कार्रवाई करें और इनके बेटे को इनके घर पर वापस भेजें। चलिए फिलहाल मिलते हैं ऐसे किसी और नई खबर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।